दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय आराध्या ज्वेलर्स। नमस्कार, मैं आचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के खेल समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं खेल जगत के कुछ अहम खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिन गेंदबाज शेन वॉन के खेल करियर के कुछ शानदार लम्हों के गवाह रहे। मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर 30 मार्च को उन्हें सार्वजनिक विदाई दी जाएगी। विक्टोरिया राज्य के प्रधानमंत्री डेनियल एंड्रूज ने बुधवार को पुष्टि की कि वॉन के सम्मान में MCG पर राजकीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वॉन के परिवार ने घोषणा की कि इससे पहले वे निजी रूप से अंतिम संस्कार करेंगे। पिछले हफ्ते थाईलैंड में कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने के कारण वॉर्न की मौत हो गई थी। वह 52 वर्ष के थे। एंड्रूज ने बुधवार को ट्वीट किया, वॉर्नी को विदाई देने के लिए MCG की से अधिक उचित जगह दुनिया में और कहीं नहीं हो सकती। MCG पर वॉर्न ने 1994 में एशेज में हैट्रिक बनाई थी और 2006 में अपनी अंतिम अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान इसी मैदान पर 700वां टेस्ट विकेट हासिल किया था। वॉर्न का जन्म मेलबर्न में ही हुआ और वह यहीं पले बढ़े। क्रिकेट नियमों के संरक्षण, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज को रन आउट करने संबंधी नियम को अनुचित खेल श्रेणी से हटा दिया है। इसके साथ ही गेंद चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 2022 संहिता में यह बदलाव अक्टूबर से लागू होगा। MCC ने कहा कि गेंद चमकाने के लिए लार का प्रयोग अनुचित माना जाएगा। कोरोना महामारी के कारण ICC ने लार के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। MCC ने कहा कि उसकी रिसर्च से पता चला है कि गेंद की मूवमेंट पर लार का कोई असर नहीं होता। खेल समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। SMS काइनेटिक ई मोबिलिटी शोरूम इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑटो मिलने का एकमात्र स्थान, जहां आपको इलेक्ट्रिक वाहनों में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं, जिंग इलेक्ट्रिक एंड जूम इलेक्ट्रिक ई बाइक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो में मिलेंगे 4 मॉडल्स, काइनेटिक सफर स्मार्ट, काइनेटिक सुपर DX, काइनेटिक सफर जंबो, काइनेटिक सफर शक्ति, काइनेटिक ग्रीन सफर स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग स्पेशियस एंड सुपीरियर ई रिक्शाज। लो इन्वेस्टमेंट एंड हायर रिटर्न्स। विजिट अस एट चिटनीस पार्क स्क्वायर, रुईकर रोड, महल, नागपुर। कॉन्टेक्ट अस 9096 6544 47। सोचो स्मार्ट, खरीदो सफर स्मार्ट। We know that life is different these days. We are with you every step of the way, from routine care to life-saving emergencies. Because your health needs don't stop during the pandemic. At the Ayushman Hospital, your safety is our top priority. Symptom screening, physical distancing, mandatory masks, enhanced disinfectant process are in place. These are just some of the many ways we are keeping you safe. Don't delay your health needs. Schedule an appointment today. Call 9373111709 or visit theayushmahospital.com. For precaution COVID dose, contact us. Ayushman Hospital, bringing hope, saving lives. अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस या रिसोर्ट, तो आइए RO Empire Private Limited, ISO सर्टिफाइड कंपनी में, जहां आपको मिलेगा 0 माइल से महज 30 किलोमीटर के अंदर प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस और रिसोर्ट, वो भी आसान किश्तों पर। वही RO नगरी में आपको मिलेगी गार्डन, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा। तो आइए RO नगरी और पाइए आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के साथ, NADP सैंक्शनड। हमारा पता, प्लॉट नंबर 78, ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 0712 229
7 4 4 7 4 4 3 3 6 5 और 7 4 4 7 4 4 3 3 7 0 एंड 7 7 4 5 0 4 2 5 2 0। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं खेल जगत की अगली खबरें। भारत के रविंद्र जडेजा श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में पहले टेस्ट में प्रदर्शन के बाद आईसीसी टेस्ट हरफन मोलाऊ की रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंच गए हैं। जडेजा ने नाबाद 175 रन बनाए, जिसकी वजह से वह बल्लेबाजी रैंकिंग में 17 पायदान की छलांग लगाकर 54वें और 37वें स्थान पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 9 विकेट भी लिए, जिससे गेंदबाजी की रैंकिंग में 17वें स्थान पर पहुंचे। इससे वह जैसन होल्डर को हटाकर एक बार फिर शीर्ष ऑलराउंडर बन गए। होल्डर फरवरी 2021 में नंबर वन पायदान पर बने हुए थे। इसी सूची में भारत ने रविंद्र चंद्रन अश्विन तीसरे स्थान पर है, जबकि अक्षर पटेल 14वें स्थान पर है। और वेस्ट इंडीज ने आईसीसी महिला विश्व कप के लीग चरण में रोमांचक मैच में बुधवार को गत चैंपियन इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की महिला टीम ने डिएंड्रा डोटिन और हेली मैथ्यूज के बीच 81 रन की साझेदारी के बावजूद 50 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन ही बनाए। जवाब में इंग्लैंड को सोफी एसेलेटोन और केट क्रॉस ने लगभग जीत तक पहुंचा ही दिया था, लेकिन 27.4 ओवर में पूरी टीम 218 रन पर आउट हो गई। वेस्टइंडीज ने अपने दोनों मैच जीत लिए हैं और अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। वहीं इंग्लैंड लगातार 2 हार के बाद 8 टीमों में 6ठे स्थान पर है। उसे पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। और इसी के साथ खेल समाचार में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। बड़े पैमाने पर मेडिकल सहायता पहुंचाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु और खासकर कोरोना मरीजों के लिए होप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल द्वारा टिकाना का कामठी रोड स्थित होप हॉस्पिटल और आयुष्मान हॉस्पिटल रामदास पेट के माध्यम से आरोग्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसीलिए होप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बी के मुरली और उनकी टीम ने अनोरा नामक ऐप और वेबसाइट की निर्मित की है। हमारे यहाँ रियायती दरों पर सभी स्तर के मरीजों को घर पर ही चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। जो लोग टीका लगाना चाहते हैं कोरोना वैक्सीनेशन का, वो इस ऐप से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो भी अमाउंट है आप दे सकते हैं। हमारे पास दी जाने वाली उपलब्ध सेवाओं का आपको लाभ मिलेगा, जिसमें घर पर ही चिकित्सा सेवा, ब्लड सैंपल कलेक्शन उपलब्ध, जच्चा बच्चा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, कोरोना का घर पर टीकाकरण सेवा उपलब्ध, घर पर ही अस्पताल की तरह चिकित्सा सेवा उपलब्ध, घर पर विशेषज्ञ डॉक्टर विजिट उपलब्ध, आहार विशेषज्ञ की घर पर विजिट उपलब्ध, मधुमेह पर विशेषज्ञ डॉक्टर की होम विजिट उपलब्ध, नर्स सेवा उपलब्ध, फिजियोथेरेपिस्ट विशेषज्ञ की घर पर सेवा उपलब्ध, बुजुर्ग व्यक्ति की और मरीजों की घर पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध, कोरोना की घर पर ही चिकित्सा सेवा उपलब्ध। यह सभी सेवाएं आपको मिल सकती है सिर्फ एक क्लिक पर। 24 घंटे ये सेवाएं उपलब्ध है हमारे अनोरा ऐप और वेबसाइट के माध्यम से। अनोरा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में आप अनोरा की मदद से अनहोनी होने से टाल सकते हैं। तो विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट पर। हमारा पता है आयुष्मान हॉस्पिटल, 4th फ्लोर, श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स, रामदास पेट, नागपुर। होप हॉस्पिटल, टेकाना का कामठी रोड, नागपुर।